तो आपने जैसे मेरे ख्याल से पावर में जब आए 98 से 99 तक आपने उनके साथ काम किया सरकार में, और आपने उसको लिखा है कि ये साल थे जिन्होंने भारत को बदला। तो किस तरीके से भारत को इतने छोटे समय में बदला, क्या क्या ऐसे काम हुए? ये टाइटल पर मैं बहुत सोचा था। अच्छा। और फिर मैंने जो अपने ही ड्राफ्ट को 2-3 बार पढ़ा फाइनल रीडिंग में, तब हमें लगा कि ऐसे 4-5 मुद्दे थे जिससे देश को बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा। जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं, जिस तरह से दुनिया हमको देखती है, और जिस तरह हम अपने आप को देखते हैं। तो सबसे पहले तो था कि ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। असल में मोरारजी की सरकार, बट मोरारजी जिंदगी भर कांग्रेस पार्टी में थे, चंद्रशेखर जी जिंदगी भर कांग्रेस पार्टी में थे, देवेगौड़ा भी अधिकतर कांग्रेस पार्टी में थे, गुजरात साहब कांग्रेस पार्टी में थे, वाजपेयी जी कांग्रेस में कभी नहीं रहे थे, और समर्थन भी उनका जो था पार्टी थी वो कांग्रेसी को बहुत कम लोग थे। सरकार बनाने में बहुत कष्ट हुए, सरकार गिराने में भी लोग ने मेरे ख्याल से अनडिप्लोमेटिक तरीके इस्तेमाल किए, बट उसको छोड़ा जाए। ऐसे वक्त में इन पार्टीज को इकट्ठा करना, साथ, जब पहले आपने सवाल पूछा था कैसे चलाए इतना, साथ रखना, ये पहली कोलिशन गवर्नमेंट थी जो इतने साल सरकार में बची रही। मोरारजी की थी 2.5 साल, चौधरी चरण सिंह की तो बेचारे 2 हफ्ता, चंद्रशेखर वीपी सिंह की 10 महीना और चंद्रशेखर जी की 3 महीना, देवेगौड़ा 9-10 महीना, गुजराल साहब 9-10 महीना, ये सरकार इस तरह से कहिएगा तो 6 साल रही। तो 6 साल कोलिशन गवर्नमेंट को साथ रखना और चलाना, वो एक हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में उससे बदलाव आ गया कि हाँ, कांग्रेस के बिना भी सरकार पूरी टर्म कर सकती है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, उपलब्धि बहुत बड़ी है, ये हम भूल जाते हैं। फिर भारत को परमाणु शक्ति चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? शांति के लिए। चीन है, पाकिस्तान है, दोनों के पास परमाणु शक्ति है, दोनों एक साथ कोऑपरेशन में है, अपने रक्षा के लिए आवश्यकता रहना। नेहरू जी सोचे थे इसके बारे में, कर नहीं पाए। इंदिरा गांधी आधा कदम ली पोखरण 74 में की, फिर घबरा के उसको पीसफुल कर दी। नहीं तो उस समय हो जाता तो चाइना से पहले शायद। नहीं, चाइना, नेहरू जी को इच्छा होता तो चाइना के साथ हो जाता। इंदिरा गांधी 74 में की, चाइना कर चुका था 7 साल पहले उसके, बट उसके बाद एक कानून बन गया, इंटरनेशनल कानून बन गया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। उसका मतलब है जो 5 देश के पास थे परमाणु वही रहेगा, बाकी नहीं रहेंगे, बाकी इलीगल हो जाएंगे। इसलिए हमारे बहुत प्रधानमंत्री ने सोचा, नरसिम्हा राव जी ने करीब करीब जाते जाते तक फिर पीछे हो गए, वाजपेयी जी ने उसको नहीं, अब ये मौका है, नहीं करेंगे भारत कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि CTBT आ चुका था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, तो करना बहुत आवश्यक था। उन्होंने हिम्मत दिखा के कर दी, उन्होंने बहुत हंसा उस पर, कम्युनिस्ट पार्टी ने, कांग्रेस में सब ने हा क्या कर दिया, क्या फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ उससे, नहीं तो अभी तक बहुत कुछ हो सकता था। फिर उन्होंने दिखाया कि क्योंकि शीत युद्ध खत्म हो गई है, कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, हमारा मेन समर्थक जो था सोवियत यूनियन, जो हमें बचाता था, बांग्लादेश लड़ाई में 3 बार वीटो किया, हर बार हमें बचाता था, वो रहा नहीं। दुनिया बदल रही है, एक ही देश सबसे सुपर पावर है, वो अमेरिका है, और दूर दराज में लग रहा था चीन धीरे धीरे बढ़ रहा है, उभर नहीं रहा है, अभी बढ़ ही रहा है। उस समय सोचना कि हाँ, अब भारत को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट का मतलब ही नहीं रहा। नॉन अलाइन से जब 2 ब्लॉक थे तो हम बीच में थे, अब एक ही ब्लॉक रहा, उसके साथ अगर हम नहीं काम करना सीखेंगे तो भारत को तकलीफ होगी। आज उसका फायदा हम देख रहे हैं, अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। वो शुरुआत वाजपेयी जी ने की थी, जिस तरीके से अमेरिका को एंगेज किया, जबकि टेस्ट के बाद सबसे ज्यादा ऑपोजिशन अमेरिका से आया था, सबसे ज्यादा सैंक्शन अमेरिका से आया था, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, भारत का अगर हम भविष्य देखेंगे, विश्व का भविष्य देखेंगे, तो भारत को अमेरिका के साथ काम करना ही है। अगेन हिम्मत दिखाया था, अरे नॉन लैंड आप छोड़ रहे हैं, अमेरिका को 10 साल गाली दिए हैं, गाली दिए थे, वो जमाना खत्म हो गया, अब नई परिस्थिति है। चौथा पहलू पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान है, रहेगा, हम उसको मन भी चाहे हटा नहीं सकते, किसी न किसी फॉर्म में तो रहेगा। क्या हम पाकिस्तान के पास कुछ तरीके से वर्किंग अरेंजमेंट कर सकते हैं? विफल हो गए, ऐसा नहीं हो कि उसमें कुछ सफलता मिली है, बट वो बहुत आवश्यक था लाहौर जाना और दुनिया को भी दिखाना कि देखिए हम तैयार हैं। और लाहौर के बाद करगिल हो गया, इसलिए विश्व हमारे साथ, करगिल और भी आ गया हमारे साथ,
ये पहलू कि पाकिस्तान में हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे, पूरी प्रयास करेंगे। अगर पांचवा, जब करगिल हो गया तो हम रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह एक्ट करेंगे, जिम्मेदार देश हम है, हम लड़ाई नहीं फैलाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि परमाणु युद्ध हो जाए कि फिर वो विश्व युद्ध हो जाता, वो सबके लिए, सबके लिए बहुत निराश होता, तो रोकना था। तो ये पाकिस्तान के साथ जाना भी, और जब विफल हो गया तो फिर हम ढंग से लड़ पे पाए, और उस लड़ाई में दुनिया हमारे साथ था, पहले कभी नहीं था। और दुनिया लड़ाई क्यों हमारे साथ है, क्योंकि वाजपेयी जी के नेतृत्व से उनको भरोसा मिल गया था, कॉन्फिडेंस आ गई थी कि हाँ ये दूसरा भारत अब है, अब इनके साथ हम बात कर सकते हैं, इनका हम समर्थन कर सकते हैं। तो ये पांच पहलू, उसी से मुझे लगा कि ये पांच पहलू का मतलब है कि जिस तरीके से दुनिया हमको देखने लगा वो बदल गया। हम दुनिया को, पहले हम जो नजरिया था पहले था कि ओ, अमेरिका हमको तंग कर रहा है, ये कर रहा है, मगर रूस हमारे साथ है, वो खत्म हो चुका था, अब अमेरिका। और जिस तरह से भारत में अपने आप आत्मविश्वास आया, हाँ हम खड़े हो सकते हैं, दुनिया के बावजूद हमने परमाणु टेस्ट किया, मगर दुनिया के साथ साथ हम इंगेज करने को तैयार है, हम नॉर्थ कोरिया नहीं है, हम ईरान नहीं है जो दुनिया से बढ़ना चाहते, हम दुनिया के साथ रहना चाहते। तो आत्मविश्वास भारत में जो नहीं था, और उसके तुरंत बाद Y2K हो गया कि सब कंप्यूटर बंद होने वाले थे दुनिया में, क्योंकि उनका जो डिजिटल कोडिंग था वो 0099 के बाद कुछ था ही नहीं। अच्छा, तो उसको 2000 बनाना था, क्योंकि जब कंप्यूटर्स बनाए गए थे उन्होंने सोचा ही नहीं था ऐसा प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम आया तो भारत के लोग ने, इंडियन कंपनीज अच्छा अच्छा काम की, दुनिया भर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो आत्मविश्वास, हाँ, तो भारत का वो पूरा पूरा भारत का आत्मविश्वास नहीं था, हरदम लगता था कि दूसरा हमको तंग कर रहा है, अब हमें लगा नहीं, हम अपने पैर पर खड़े हैं और दुनिया से बराबरी में बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहा द इयर्स दैट चेंज इंडिया, जबकि केवल 1.5 साल की बात है, बट इतिहास में कई बार क्षण भी बहुत फर्क बहुत हो जाता है, एक क्षण में बदल जाता है सब।